हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज है दिन सैटरडे, और सैटरडे को मैं मॉर्निंग से आपको अपना फुल डे रूटीन दिखाऊंगी। तो उसके लिए सुबह मैंने अभी उठ के पेस्ट किया है, और पेस्ट करने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद, फिर मैं यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी है। मैंने आप लोग को दिखाया वेदर कैसा है आज। यहाँ पूरे टाइम ही बारिश होती रहती है, ओवरनाइट बारिश, वही तो वेदर कुछ ऐसा ही ठंडा ठंडा सा सुबह के टाइम रहता है। तो सबसे पहले जब चाय पी लो, उसके बाद में और काम स्टार्ट करती हूँ मैं। तो ब्रेकफास्ट अभी बनाऊँगी मैं, पहले चाय पी लेती हूँ उसके बाद में। तो आप लोग भी आइए और चाय पी लीजिए, तो ये आप लोगों के लिए। और फिर उसके बाद, चाय पीने के बाद, मैंने यहाँ पे एक चीला बनाने का सोचा है। तो वो चीला बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने दो प्याज लिए हैं, दो आलू लिए हैं। तो प्याज और आलू को अच्छे से मैंने कट, छिलका निकाल दिया है उनका। तो उसके बाद इनको धोकर मैं अच्छे से कस कर लेती हूँ कद्दूकस से। कद्दूकस से कस करने के बाद इसमें मैं 1.5 कप आटा डालूँगी। और आटे में मैंने यहाँ पे जीरा लिया है 1/2 चम्मच, और 2 चम्मच नमक डाला है, 1/2 चम्मच रेड चिली डाला है, और अजवाइन डाला है 1/2 चम्मच। और ये सब डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी पानी के साथ। तो यहाँ पर मैंने 1 ग्लास पानी लिया है इसके लिए, और 1 ग्लास से थोड़ा कम ही पानी लगता है इसमें। उसके बाद मैंने रेड चिली भी, वो ग्रीन चिली भी इसमें डाली है। और ग्रीन चिली आप लोग देख लीजिए जैसा आपका टेस्ट हो। तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा खा लेते हैं कभी कभी, तो नहीं तो मैं उसमें से निकाल देती हूँ। तो हम लोग को तो अच्छा लगता है, तो हम लोग ग्रीन चिली डालते हैं, और बच्चों को भी मैं थोड़ा थोड़ा आदत डाल रही हूँ। बच्चों की आदत आप जैसा डाल दें वैसी ही पड़ जाती हैं। अगर उनको स्टार्टिंग से हम चिली नहीं देंगे तो वो चिली खाएंगे ही नहीं कभी। उसके बाद फिर मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और हल्दी डाली है, और उसके बाद मैं इसका चीला बना रही हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था, इसलिए थोड़ा सा ये इधर उधर खिसकने लगा। और जल्दी जल्दी से मैं इनको चीला बना के दे देती हूँ, तो ये काफ़ी जल्दी से बन जाता है। तो ब्रेकफास्ट यहाँ पे हो गया। उसके बाद मैं, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं लंच बनाने जा रही हूँ। तो लंच में मैं अरवी बनाऊँगी। यहाँ पर अरवी की सब्ज़ी मैंने कट कर ली थी अरवी को, और अरवी को कट करने के बाद फिर मैंने मसाला, वही हल्दी, धनिया, मिर्च और लहसुन और प्याज को मसाला बनाया था। तो वो मसाला बनाने के बाद मैंने ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में उसको भूनने के लिए रख दिया है। और उसके बाद मैंने अरवी को कट करके रख लिया था, तो अरवी उसमें डाल दूँगी। और आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था, तो लंच के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी से ही करना पड़ता है। तो बस मैं जल्दी जल्दी मसाला चला रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ ऑयल थोड़ा सा कम हो गया था, तो मैंने बीच में ही इसमें ऑयल बढ़ा दिया था, क्योंकि अभी स्टार्ट में ही मैंने मसाला डाला था, तो अच्छे से ऑयल इसमें भुन जाएगा, इस ऑयल की कोई स्मेल नहीं आएगी। तो बस जल्दी से मैं मसाले को अच्छे से भून लिया है। और उसके बाद में मैंने इसमें थोड़ी हींग डाल दी है यहाँ पे, और गरम मसाला उसके बाद में मैंने ऐड कर दिया है। और मसाला जब अच्छे से भुन गया है, तब उसके बाद में फिर मैंने इसमें ये अरवी ऐड कर दी है। और 1.5 ग्लास के करीब इसमें मैंने पानी डाला है। और ये ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि अरवी अपना, अरवी वैसे ही जब भी आप बनाते हैं तो थोड़ा सा ऐसा गाढ़ा गाढ़ा सा पानी हो जाता है ना उसका, तो वही। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो रोटियां बनाते समय मैं सबसे पहले एक छोटी रोटी बनाती हूं, तो वो मैं गाय को या कौए को, किसी को दे देती हूं। उसके बाद में मैं सारी रोटियां बना लेती हूं इसी एक टाइम पे। मैं सबके लिए अलग अलग रोटियां नहीं बनाती हूं, एक टाइम में ही बस जितना सबको खाना होता है तो बना के रख देती हूँ, फिर सब अपना उसी टाइम पर खा लेते हैं। तो उसके बाद में फिर मैंने किचन वगैरह साफ कर दिया है यहाँ पर, और खाना अभी सब लोग खा लेंगे। तो अभी थोड़ा सा टाइम था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पीछे मैंने एक फ्लावर पॉट रखा है बड़ा सा, तो
यहाँ पे थोड़ा सा पीछे अच्छा सा नहीं दिखता था, इसलिए मैंने वो वहाँ पे रख दिया है। पर यहाँ पे वो डेकोपेज पेपर से जो मैंने ये बनाया था ना ये बॉक्स, वो यहाँ पे रखा हुआ है। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अपनी तुलसी जी को पहले कहाँ रखा था और अभी मैंने कहाँ रखा है वो मैं आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे जो मैंने जो भी क्राफ्ट किए थे वो सब रखे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने अपनी तुलसी जी को यहाँ पर रखा है। तो पहले, इससे पहले मेरी तुलसी जी किचन के बाहर जो बालकनी है जहाँ पे हम लोग गीले कपड़े सूखने के लिए डालते हैं वहाँ पर रखी हुई थी। तो इससे ना क्या होता है, जब भी आप तुलसी जी को कहीं ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ आप कपड़े सूखने के लिए डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी हेल्थ पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा बोलते हैं। और तुलसी जी को कभी भी ऐसी जगह पे नहीं रखना चाहिए जहाँ आप गीले कपड़े डालते हो सूखने के लिए, तो उससे तुलसी बढ़ती भी नहीं है और आपकी हेल्थ भी थोड़ा ठीक नहीं रहती है। तो तुलसी को ऑलवेज ऐसी जगह पे रखना चाहिए साफ़ सुथरा हो और गीले कपड़े वगैरह ना पड़े हों। तो मैंने जब से उनको यहाँ पे रखा है तब से वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही हैं और मेरी हेल्थ भी अच्छी रहती है अभी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने ये बताया। और देखिए यहाँ पर कितना अच्छे से ये बढ़ रही है। पहले वहाँ पर भी मैं काफ़ी पानी वगैरह डालती थी जो किचन के बाहर बालकनी थी उसमें रखी हुई थी जब, लेकिन वो अच्छे से ग्रो हो ही नहीं रही थी। मुझे लगता था सॉइल अच्छा नहीं है और काफ़ी पुरानी हो गई है, लेकिन नहीं, ये तो मैंने 2 ईयर्स हो गए तब से ये मेरे पास हैं और मतलब काफ़ी अच्छे से अभी यहाँ पर लगी हुई हैं। तो आप लोगों को जिसके भी यहाँ ऐसे रखी हुई हैं तो वो ज़रा उनका प्लेस चेंज करके अगर देखेंगे तो आप लोगों को अच्छा फील होगा। तो मैंने सोचा ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने ये शेयर कर लिया। और यहाँ पर मेरे बेटे ने ये सारा सामान नीचे फैला के रखा हुआ है। आप घर को चाहे कितना भी अच्छे से रख लो, लेकिन बच्चे तो थोड़ा बहुत फैला ही देते हैं, तो बस ठीक है, क्या करें, बच्चों को भी तो अपना करना है ना कुछ ना कुछ। बाहर तो जाते नहीं हैं अभी, तो बेचारे यही कुछ करके अपना काम चला लेते हैं। तो और फिर हो गई है इवनिंग अभी, तो इवनिंग को मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे मसाला पनीर। तो मसाला पनीर की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये प्याज और लहसुन और हरी मिर्च को एक साथ में ऑयल में डाल दिया है, और उसके बाद टमेटोज यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं इसमें, और ग्रीन चिली को भी मैंने डाल दिया है। सॉफ़्ट करूँगी इसको मैं थोड़ा सा। उसके बाद में मैंने ये अचारी पनीर, अचारी मसाला बनाया था थोड़े दिन पहले ही, मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगी। तो ये सॉफ़्ट हो चुके हैं इस टाइम पे, और इसी टाइम पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है ये थोड़ा सा गुड़ और शक्कर, जो भी आप ऐड करना चाहें, तो ये थोड़ा सा बैलेंस करेगा टेस्ट को, स्वीट नहीं करेगा। और उसके बाद में मैंने ये मसाला यहाँ पे निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है, और कैरेट और कैप्सिकम को मैंने ऑयल में डाल के थोड़ी सी देर में इसको सॉफ़्ट करने के लिए रखा है। तो जब ये थोड़े से गल जाएंगे, जब ये थोड़ा सा गल जाएंगे उसके बाद फिर मैं उसमें वो मसाला डालूंगी। यहाँ पे पनीर भी मैंने बना के रेडी कर लिया था, तो पनीर भी यहीं पे रखा हुआ है, और पनीर को मैं फ्राई नहीं करूँगी, ऐसे ही इसमें यहाँ पे मैंने डाल दिया है और फ्राई नहीं किया है, क्योंकि इसको मैंने अभी जस्ट बनाया है तो काफ़ी सॉफ़्ट है ये, और जब भी सॉफ़्ट होता है पनीर तो उसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर वो मसाला मैंने बना लिया है, और मसाले को मैं इसमें यहाँ पर ऐड कर दूँगी, और 2 से 3 मिनट तक मैं इसको फिर मसाले में ढक्कन लगा के इसको पकाऊंगी। यहाँ पे बीच बीच में ढक्कन हटा के चला दिया करूँगी, क्योंकि ये नीचे लग ना जाए सब्ज़ी। और उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा बेसन मैं यहाँ पे भून रही हूँ, तो बेसन इसमें ऊपर से थोड़ा सा डालूँगी। और यहाँ पे बीच बीच में मैं जल्दी से रोटियाँ भी बना लेती हूँ, और बेसन यहाँ पे भुन गया है तो बेसन को मैंने इसमें ऐड कर दिया है यहाँ पे। और इसको बेसन ऐड करने के बाद थोड़ी देर तक अच्छे से चलाते रहें, क्योंकि बेसन नीचे लगने का डर रहता है, और बेसन से ये काफ़ी थिक हो जाएगी और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा।
तो बस यहाँ पे ये सब्ज़ी 2 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी और उसके बाद मैं यहाँ पे रोटियाँ बना दूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग बस यहीं तक।